दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं मसाला वाला चिकन बनाने वाला हूँ। प्याज और टमाटर को मैं पहले फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा हल्का सा तेल में। देखिए, मैं कढ़ाई में तेल डाल दिया हूँ। प्याज काट कर रखा हूँ, 3 प्याज काटा हूँ और 2 टमाटर। उसको मैं अच्छे से गोल्डन कलर में फ्राई कर लेंगे और उसको फिर मैं मिक्सर में पीस लूँगा। देखिए, लौंग, इलायची, दालचीनी, गुलमरीच ये सब डाल के और प्याज और टमाटर डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन कलर में। आज मैं आपको अलग अलग टाइप का थोड़ा चिकन बना के दिखाने वाला हूँ। मेरा चैनल पर आप देख लीजिएगा, बहुत टाइप का चिकन बना के रखा हूँ मैं। आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कोशिश करेंगे दिखाने का। इसको 5-10 मिनट एकदम तेज आंच में फ्राई करेंगे। इसको 2 टमाटर दिया, 3 प्याज दिया हूँ। और क्या बोलता है वो, देखिए हो गया मेरा फ्राई। और लहसुन, जीरा, अदरक वो मैं अलग से पेस्ट बना के रखा हूँ, ये अलग से पेस्ट बनेगा। फ्राई करके इसको ठंडा करके फिर इसको मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैं गरम मसाला का सामान भी दे दिया था। और जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैं आलू फ्राई कर लेता हूँ। मैं 2 आलू दिया हूँ इसमें। उसको अच्छा हल्का सा लाल कर लेंगे। ये हो गया लाल। अभी मैं इसमें तेज पत्ता डालने वाला हूँ। अभी मैं आधा लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा हूँ, प्याज नहीं, आधा लहसुन जीरा का पेस्ट बना के रखा हूँ वो डाल रहा हूँ। तेल में ही डालने वाला हूँ मसाला सब। अभी मैं टमाटर और गरम मसाला का जो दालचीनी, लौंग और टमाटर और प्याज का मैं पेस्ट बना के रखा जो फ्राई करके, देखिए वो भी डाल रहा हूँ। उसका पेस्ट भी मैं बना लिया हूँ। देखिए सब डालो अच्छे से, इसको अच्छे से भी मिलाएंगे। मसाला वाला चिकन है लेकिन मैं इसमें रस डालूंगा। आप चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं मसाला रख के बिना रस का, लेकिन मैं रस डालने वाला हूँ। इसका रस भी अच्छा लगता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनता है, पतला रस नहीं बनता है। अभी इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला का सामान में पीस के डाला हो तो चिकन मसाला लास्ट में डालेंगे, पहले भी डालेंगे लास्ट में भी डालेंगे। इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद जो चिकन में धो के रखा उसको भी डाल देंगे इसमें। चिकन को भी फ्राई करना का है, मसाला तो फ्राई है फिर भी चिकन को भी फ्राई करने के लिए इसमें 10 मिनट मेरे को फ्राई करना पड़ेगा कि चिकन कच्चा है, नहीं तो बास आएगा कच्चा। ये चिकन मसाला है, आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं इसमें।
अब हल्का सा पानी डालेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। जो मसाला मैं पीसा था मिक्सर में उसको ही मैं पानी, उसमें मसाला बहुत लगा हुआ था उससे ही मैं पानी डाल दिया हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, फ्राई किया हुआ ये मसाला। इसको ज़्यादा जरूरी चिकन देंगे तो आपको फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि तो चिकन आपका पूरा कच्चा है वो, तो उसको 10-15 मिनट अच्छा से कम आँच में पकाएंगे, उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। मसाला ज़्यादा फ्राई करेगा तो कोई नुकसान नहीं है। मैं 1/2 किलो चिकन लिया हूँ इसमें। देखिए मेरा चिकन फ्राई हो चुका है, कितना सुंदर दिख रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं पराठा रोटी के साथ, और नहीं तो आप इसको झोल डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो झोल डालने वाला हूँ। आप भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं रसा वाला बना रहा हूँ। ऐसे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, कि मैं रसा वाला बनाने वाला हूँ। मेरा चैनल में बहुत सारा चिकन का रेसिपी भी है, आप देख सकते हैं, सब अलग अलग टाइप का है। एक जैसा चिकन का रेसिपी मैं नहीं डाला अभी तक। बस इतना ही रसा रहेगा, उसमें जो आलू चिकन जो भी है वो पक जाएगा। इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे पूरा तेज आँच में, और उतरने का टाइम पे थोड़ा चिकन मसाला डालेंगे। ये मेरा चिकन बन चुका है, मसालेदार चिकन। अब मिलते अगला वीडियो पे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। बाय दोस्तों।